मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस बेसिकली होता है क्या है, अ मैट्राइस इज अ ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ और अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एक हम एक देखिएगा ये इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, और भी तरीके होते हैं डिनोट करने के, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। इसके अंदर जैसा ये लिखा हुआ है, ये इसके अंदर इसके एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसको हम देखे थे यहाँ पर क्या बन गया, मैट्राइसिस। तो इसका ऑर्डर सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैट्राइसिस में दो ही चीज़ें होती हैं, एक कॉलम होता है और एक रो। तो ये रो है, ये क्या है आपकी रोज है, यार ये पहली रो हो गई और ये आपकी दूसरी रो, और ये क्या है आपके कॉलम, तो C1, C2 और C3। तो इसका ऑर्डर होगा 2x3। क्या है इसका ऑर्डर, जैसे एक रूम होता है ना, रूम को क्या बोलते हैं हम, ये 10x10 का है, 10x20 है, 20x10 का है। तो वहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको ऑर्डर बताते हैं, पहले हम बताते हैं रो, फिर आता है कॉलम। तो 2x3, तो ये कॉलम कितने बाई कितने का है, ये 2x3 का। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर। बेसिकली ऑर्डर के बाद हम लोग इसके टाइप ऑफ मैट्राइसिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ मैट्राइसिस आपके होते हैं, पहला होता है आपका कॉलम मैट्राइसिस। क्या होता है कॉलम मैट्राइसिस का मतलब होता है जिसमें सिर्फ क्या हो आपका, कॉलम हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ इसको 2, 1, 4, तो ये आपका मैट्राइसिस कौन सा होगा, ये कॉलम मैट्राइसिस होगा। क्या होगा, क्योंकि जिसमें सिर्फ कॉलम होता है वो कौन सा मैट्राइसिस होता है, कॉलम मैट्राइसिस। सेकेंड मैट्राइसिस आपका होता है रो मैट्राइसिस। क्या होता है, जैसे रो में से 1, 2, 3 ये लिखा, तो इसमें ओनली क्या है आपका रो है, तो इस इज कॉल्ड रो मैट्राइसिस। कॉलम मैट्राइसिस हो गया, रो मैट्राइसिस हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट मैट्राइसिस जो आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल। स्क्वायर मतलब क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे दो रो और दो कॉलम है, ये भी हो सकता है 3, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1। देखो एलिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे मतलब रो और कॉलम से, अगर हमारी रो और कॉलम आपस में क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये क्या, ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और ये आपका 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट होता है डायगोनल मैट्राइसिस। क्या होता है डायगोनल मैट्राइसिस का मतलब होता है कि इसके सिर्फ जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऐसे ये कोई चीज़ है, ये रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल यही होता है ना, तो डायगोनल मतलब इसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो, वहाँ की सबकी वैल्यू क्या हो, जीरो। जैसे लिखा है जीरो, जैसे ये लिखा है 1, 0, 0, 2, तो आप ध्यान से देखेंगे डायगोनल में इसके एलिमेंट क्या है, 1 और 2, डायगोनल मैट्राइसिस। या ऐसे देख लो आप 1, 2, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, तो ये आपके सिर्फ डायगोनल में कौन है एलिमेंट है आपके, तो ये आपका डायगोनल मैट्राइसिस हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे तो आपको होता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, क्या कहता है अपना स्केलर मैट्रिक्स, कहता है कि आपके जो डायगोनल में जो एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है जो डायगोनल में एलिमेंट, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये बनाया, तो यहाँ पे सभी एलिमेंट क्या है डायगोनल के, सेम है, और बाकी सब क्या है, जीरो है। तो ये आपको जो डायगोनल, अगर वही जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, अगर उसी के डायगोनल में जितने भी एलिमेंट है वो सब आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो वो आपका कौन सा एलिमेंट, क्या आंसर मैट्रिक्स कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके बाद आपका जो आता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, इसी की वैल्यूज अब आपको जाननी। आइडेंटिटी मीन सिंपल सी बात होती है, जहाँ पे आपका जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो वन हो जाए, क्या हो जाए वो वन, जैसे 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, तो ये आपका आई टू, इसको आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इसको आई टू बोल सकता हूँ, इसको मैं बोलूँगा आई, ये दो 2x2 का आइडेंटिटी एलिमेंट और ये 3x3 का, इसलिए i3। वैसे आप सिंपली i से डिनोट करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जिसका किसी में भी आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज करो 5 × 1 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, वैसे ही है ये भी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद आपका आता है जीरो मैट्रिक्स। क्या आता है,
जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसके जो पूरे एलिमेंट की वैल्यू क्या हो आपकी जीरो हो, वो क्या कहलाएंगे आपके? जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो बेसिकली आपकी ये होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो आपके सिंपली पूछे जाते हैं। अगर एक आध नंबर पूछ लेंगे तो क्या स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है या डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है क्या, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3.1 का, आपका एनसीईआरटी का क्या क्वेश्चन है 3.1 का? पहला क्वेश्चन दिया है ये ए मैट्राइसेस आपके सामने है, आपसे बोला है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द राइट द एलिमेंट नेम, ये एलिमेंट के नेम लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, रो कितनी है इसमें, 1, 2 और 3, तो ये आपका 3 मल्टीप्लाई, और कॉलम कितने, 1, 2, 3, 4, तो ये 3x4 का मैट्रिक्स है। कितने का ये? 3x4 का। सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल काउंट कर लीजिए आप, वैसे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा कितना, 12, ठीक है। अब आपसे बोला है कि आपको राइट द एलिमेंट, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि सपोज करो कि कोई एक हमारे पास लिखा, जैसे ये पहला जो एलिमेंट होता है A11 होता है, क्या होता है, A मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, और A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो बेसिकली आपका मैट्राइसेस इस तरीके से लिखा होता है, मतलब ये इनकी क्या होती है, पोजिशनिंग होती है। अब आपसे कहा गया कि A13 बताओ, आप क्या बताओ, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा होगा आपका, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड सेकंड कॉलम, और ये कौन सा कॉलम है आपका, नहीं सॉरी गलती हो गई, ये 1, 2, 5, 19 होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ही है, 1, 2, 3, तो थर्ड कॉलम कितना हो गया आपका, 19, तो A13 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपका 19। अब बोला A21 मतलब 2 बोले तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो आंसर कितना हो जाएगा, 35। फिर A33 बोला है थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम कितना है, फिर इसके बाद आपसे A24 बोला है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कितना है आपका, 12, और A23 बोला है मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 5/2। सो दिस इज द बेसिकली द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो हमें सिंपल क्या है कि जो मैट्राइसेस होता है इस फॉर्म में होता है, 1, 1, 1, 2 का मतलब पहले आप रो बोलते हैं फिर कॉलम बोलते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से इनका एक पोजिशनिंग होती है। अब ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट और साथ में उनका पोजिशनिंग, आ गए आपको समझ में कोई इशू इसको लेकर? तो ये बेसिक आपका मैट्रिक्स होता है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट द 2x2 मैट्राइसिस। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट द 2x2 मैट्राइसिस, ए इक्वल्स टू दिया है आपको, ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी है ए आई जे, क्या दिया है ए आई जे, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट इस तरह, ए आई जे की वैल्यू कितनी है, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2, सेकेंड वाले का है ए आई जे आई अपॉन जे, थर्ड वाला है आपका ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन में 2। तो हमें 2x2 का बनाना है, 2x2 का बनाना है, तो देखो क्या होगा 2x2 का, यही होगा A11 A12 A21 A22। तो आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने बोला है पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे सॉल्व, आई और जे की वैल्यू इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, आई प्लस जे होगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो भैया ये जो आई और जे की वैल्यू है, ये पहली आई की वैल्यू दूसरी जे की वैल्यू है, तो मैं इसके लिए कंस्ट्रक्ट करूंगा A11। तो क्या निकलूंगा इसका, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, देख रहे पागल हो गए, तो ए
वन वन का क्या होगा, आई की जगह वन रखेंगे और जे की जगह वन का होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो वन प्लस वन मतलब टू का स्क्वायर अपॉन में टू मतलब फोर अपॉन में टू, टू से टू कैंसिल तो आंसर इज टू। अब ये वन टू का करेंगे तो वन प्लस टू का स्क्वायर अपॉन में टू तो कितना हो जाएगा, वन प्लस टू मतलब थ्री का स्क्वायर अपॉन में टू मीन्स नाइन अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। और ये टू वन करेंगे तो वही टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो ये भी आपका थ्री का स्क्वायर अपॉन टू मतलब ये भी नाइन बाई टू ही होगा। और ए टू टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू प्लस टू का स्क्वायर अपॉन में टू मीन्स फोर का स्क्वायर अपॉन में प्लस सिक्सटीन अपॉन टू मीन्स कितना हो जाएगा ये एट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा टू नाइन अपॉन टू और ये नाइन अपॉन टू एट। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, आपने बेसिकली कुछ भी नहीं करा, बस आपको जो टू बाई टू का मैट्राइज बनाया उसमें जो पोजिशन जो जिस हिसाब से आपको वैल्यू दी थी आपने वैल्यू उसमें पुट कर दी और आंसर आ गया। आई की जगह यहाँ पे पहले में वन और जे की जगह ही वन, दूसरे में वन और टू, टू और वन और टू और टू, तो दिस इज द बेसिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कर लीजिए नोट।